पता है कि इतने सारे लोग बैठ के सीख रहे हैं, सिर्फ आप ही सीखे क्योंकि आपको नॉलेज था, बाकी जो जीरो लेवल पे। पहली बात तो मैं जीरो लेवल पे था, दूसरी बात जिन्होंने काम किया होता इतने टाइम से वो भी यही बात सोच रहे थे कि यहाँ पे इतनी चीजें जो हम इतने टाइम से काम करते थे उस चीज की हमारे को नॉलेज नहीं थी और यहाँ पे आके नॉलेज मिली है। मतलब यहाँ आने के बाद यही चीज हुई है कि अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो देख के साथ बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो दोस्तों नमस्कार, मेरे साथ में मेरे स्टूडेंट, आपका नाम क्या है? अब्दुल मन्ना। अब्दुल आप कहाँ से हैं? पंजाब से। आप पंजाब से हैं, पंजाब से फिर मैं ये बात करूंगा कि दिल्ली पास में थी, जबलपुर इतनी दूर, क्यों चुना आपने? लेकिन पहली बात तो ये है कि वो पहले बोलते थे कि एडवांस जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है, पहले उन्होंने बोला कि 37,000 है, ठीक है, उसके बाद वो बोले कम करने लगे कि पहली बात तो वहां पे ट्रस्ट नहीं होता कि पहले एडवांस भी जमा करवाना पड़ता है। फिर दूसरी बात आपसे बात हुई थी ना तो कोई एडवांस था, और दूसरी बात कि डेमो क्लास थी 2 दिन की, फिर उसके बाद अगर सही लगेगा तो जमा करवा देना, अगर ना सही लगेगा तो आप जा सकते। पहली बात कि 1 दिन की क्लास लगाने के बाद ही हमको इतना ट्रस्ट हो गया था कि आज हम जमा करवा देंगे सर कि, और हॉस्टल का भी ऐसे ही था कि 2 दिन बाद ही पैसे देने। और ये सिर्फ आपकी थिंकिंग थी कि जितने भी बच्चे आए थे उन सबकी थिंकिंग यही थी? क्योंकि कई बार ये होता है ना कि अरे आपको ट्रस्ट हुआ है, बाकी लोगों को हो जाता है कि इतने सारे लोग बैठ के सीख रहे हैं, सिर्फ आप ही सीखे क्योंकि आपको नॉलेज था, बाकी जो जीरो लेवल पे। पहली बात तो मैं जीरो लेवल पे था, दूसरी बात जिन्होंने काम किया होता इतने टाइम से वो भी यही बात सोच रहे थे कि यहाँ पे इतनी चीजें जो हम इतने टाइम से काम करते थे उस चीज की हमारे को नॉलेज नहीं थी और यहाँ पे आके नॉलेज मिली। तो इसलिए आपने यहाँ पर फिर आके पैसे जमा किए उसके बाद में। अच्छा मुझे बताओ कि जब आप घर से निकले होंगे तो आपसे बहुत से लोगों ने बोला होगा कि कहाँ जा रहे हो, क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो, ऐसे बोला होगा क्या? आपसे बातचीत हुई थी क्या? बात हुई थी कि इतना दूर जा रहे हो, एक मंथ में कौन कैसा ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जो एक मंथ में सिखा देगा। और मेरे फ्रेंड से बात हुई थी, वो यही बात बोल रहा था कि मेरा फ्रेंड है जो साल से काम कर रहा है किसी के पास, उसने पैसे भी दिए थे उसको, और मतलब 1 साल के बाद वो अपनी शॉप कर रहा है कि यार ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जो तेरे को 1 मंथ में सिखा देगा। मतलब वो जो आपका दोस्त है वो 1 साल से काम कर रहा है और तब जाकर वो 1 साल में सीख पाया है, और वो ये पूछ रहा है कि तुम 1 मंथ में कैसे सीख जाओगे? सो ये तब तुम्हारे दिमाग में कुछ बातें चल रही होंगी हाँ वाकई में, तो तब तुमने क्या डिसाइड किया उसके बाद? यही बात है कि, और एक तो था कि दिन में क्लास लगती है और रात में भी क्लास लगती है, जो होते हैं कि वो इतनी नॉलेज नहीं दे पाते और वो अपने काम करवाते हैं ज्यादा शॉप वाले। अच्छा, जो नॉर्मली दुकान शॉप वाले जो होते हैं इसलिए। तो अब चलिए बताइए कि अब वाकई में जब आप यहाँ आए हैं उसके बाद आपका कोर्स हो चुका है, अब आपने क्या फील होता है, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई डिसीजन सही था, आप सेटिस्फाई हैं? मतलब यहाँ आने के बाद यही चीज हुई है कि अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो देख के सार बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बता सकते हैं आपको, ट्रेसिंग इस तरीके से समझाई कि बहुत से कॉम्पोनेंट हैं जो नॉलेज है, जो ट्रेसिंग में कॉम्पोनेंट की वैल्यू बताई कि हर कॉम्पोनेंट हर जगह नहीं लगा होता है, स्पीकर के कॉम्पोनेंट जैसे उसमें ट्रेसिंग, आपको हॉट टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग और वोल्टेज के आपको जो अनुभव हुआ यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको मिला, तो अब उनसे पूरा सेटिस्फाई है यहाँ पर। चलिए ठीक है, क्या आखिरी में स्टूडेंट को ओवरव्यू देना चाहेंगे कि कैसे चुने किसी इंस्टीट्यूट को, आप शॉर्ट में बता सकते हैं? कि वही बात है कि जो स्टूडेंट का आउटपुट होता है वो चीज देखें, और उनके नीचे जो पेज होता है उनके नीचे वो वीडियो होती है, वीडियो के नीचे कमेंट भी होते हैं, और जो सही नहीं होते और जो उनके स्टूडेंट होते हैं वही उनमें गालियां देते हैं। हाँ, जो जनरली उनके स्टूडेंट ही होते हैं ज्यादा, वो उनको गालियां देते हैं। अच्छा, ये वीडियो आपका दोस्त भी देख रहा होगा बाद में, जब भी आपको ये देख रहा होगा तो यही चीज जब उसने कही थी कि 1 महीने में नहीं सीख सकते, तो क्या कहना चाहते हो दुनिया को कि 1 महीने में वाकई में आप सीख सकते हैं यहाँ पर? यस सर, वहां जाके प्रूव करेंगे ना। वहां जाके प्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच इतनी दूर आने के लिए और हम पे ट्रस्ट रखने के लिए और अपने दिल की सुनने के लिए, और आप बहुत आगे जाएंगे और अपने मेहनत करते जाइए और अपना नाम आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। तो आप देख रहे हैं सेटरडे काम का चैनल। दोस्तों, हमने ईएमसी का नया क्लास चालू किया है, आप इसमें आ सकते हैं, आप इस नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको आईसीए निकालना नहीं आती, अगर आपको आईसीए रिबॉल करना नहीं आती, अगर आपको पेस्टर आईसीए निकालना नहीं आती, अगर आपको सीपीयू बदलने नहीं आते, ड्यूएल सीपीयू अगर आपको निकालना नहीं आता, आपके पास डैड फोन आते हैं और डैड फोन आप बना नहीं पाते क्योंकि आईसीओ का काम आप नहीं कर पा रहे हैं,
अगर आपको डैशबोर्ड रिपेयर करना नहीं आ रहा है, अगर आपने आपके पास कोई फोन आया है जो फ्लैश नहीं हो पा रहा है, जो लोगो पे अटका हुआ है, या सैमसंग का कोई फोन आया हुआ है जो आपको बता तो रहा है कि वो डैड हो चुका है बट वो डाउनलोड मोड पे नहीं आता है, या कोई भी रीजन है, आप यहाँ आइए, हम आपको सिखाएंगे बेहतर तरीके से उसकी हम EMC IC कैसे चेंज करके आप दूसरी कौन सी EMC IC लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको EMC IC खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम ये आपको बताएंगे किसी भी सेट से आप EMC IC निकाल कर आप अगर कंपनी भी चेंज करना चाहें EMC IC के नंबर के हिसाब से तो आप कैसे उसको चेंज करें और उस अपने काम को आप सक्सेसफुली आप पूरा करें। तो दोस्तों EMC अपग्रेड की बात करूं या फिर EMC यहाँ पर डैशबोर्ड रिपेयर की बात करूं तो आप यहां पर आ सकते हैं। कोर्स की फीस हमारी काफी कम है, अगर आपको कोर्स की फीस जाननी है तो आप हमें तो नीचे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर कॉल नहीं उठा रहा तो आप SMS कर सकते हैं, लिखिए EMC डिटेल करके बस SMS डाल दीजिए तो आपको कॉल हमारी तरफ से चला जाएगा। तो दोस्तों आप यहां आ सकते हैं, यहां पे हॉस्टल की सुविधा आपको दी जाएगी, यहां पर आपको रहने की सुविधा दी जाएगी। 10 दिन का कोर्स होगा और 11 बजे से तकरीबन 7-8 बजे तक की क्लास होगी और डेली यहां पर सब प्रैक्टिकल है, कुछ भी आपको कॉपी किताब पेन कुछ नहीं लाना है। तो ये सारी चीजें के लिए आप यहां पर आ सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, आपको कंपोनेंट का नॉलेज, आपको ट्रेसिंग का नॉलेज होना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको कंपोनेंट ट्रेसिंग या इसका नॉलेज नहीं है तो आप हमारा 1 महीने वाला कोर्स अटेंड कीजिए जहां पर मैं आपको टोटल कंपोनेंट की नॉलेज बेसिक से लेकर एडवांस आईफोन लेवल तक मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जो बुक है, सेकेंड जो मेरी बुक है एसे टेलीकॉम की मोबाइल सॉफ्टवेयर बुक, ये लॉन्च हो चुकी है। पहले आपने देखा होगा इसका लॉन्चिंग का वीडियो मैंने डाला था जो कि प्रीमियम जैसा था, कि मैंने इसको बोला था कि ये 2-3 दिन हफ्ते में आ जाएगी। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो ये बुक को चाहते हैं और ये बुक को परचेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस बुक को परचेस करना है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक को जाकर बाय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप गूगल पर डालिए देवेंद्र अग्रवाल तो आपको मेरी बुक की लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों आपसे मेरा नाम जाके गूगल पे लिखिए तो आपको मेरी बुक का लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आपको एक बुक का लिंक लेना है तो आप इस वीडियो के नीचे इस डिस्क्रिप्शन में जाके इस बुक का लिंक ले सकते हैं। आप इसको अमेजोन से परचेस कर सकते हैं, आप इसको फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट है आप इसको परचेस कर सकते हैं। डायरेक्ट वेबसाइट मैंने आपको नीचे लिंक में दे दी है। दोस्तों इसको परचेस कीजिए, अपने सॉफ्टवेयर का ज्ञान बढ़ाइए, इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा जो कि शायद ही आपको किसी इंस्टीट्यूट में भी सीखने को ना मिला हो। इसी तरह वीडियो जो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एसे टेलीकॉम सर्च करें, एसे टेलीकॉम लिखें और एसे टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी एप्स है जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी एप्स आपको मिल जाएंगी। इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। अनाउंसिंग 1001 & 2008 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम एडवांस्ड मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट। Call for admission 9644139972. Download mobile free recording Android apps. Link in description.